हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई चार, मेरी पोशाक, इसके अंतर्गत जो अध्याय पाँच दिया गया है, शोधक अभिकर्ता, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के बारे में, और इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कपड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। यदि कपड़ों की उचित प्रकार से देखभाल न की जाए, तो वस्त्रों को खरीदते समय उनका टिकाऊपन, मूल्य, किस्म आदि देखने का कोई लाभ नहीं रह जाता। अगर हम महंगे अच्छे वस्त्र खरीदते हैं और उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे वस्त्र खरीदने का कोई लाभ नहीं रह जाता है। वस्त्र हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रकोपों से रक्षा ही नहीं करते, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वस्त्र केवल हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि ये जो है हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। वस्त्रों की उचित देखभाल न करने से हम विभिन्न रोगों के शिकार भी हो सकते हैं, और कीमती से कीमती वस्त्र भी जो है वह नष्ट हो सकते हैं। अगर हम वस्त्र की सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, सही तरीके से उसे अच्छी तरह से नहीं संभाल कर रखेंगे, तो क्या होता है कि हम बहुत सारे रोगों के शिकार हो जाते हैं और हमारा जो कपड़ा है वो भी नष्ट हो जाता है। वस्त्र चाहे सस्ता हो अथवा महंगा, उसकी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। हम चाहे सस्ता वस्त्र खरीदें या फिर महंगा वस्त्र खरीदें, दोनों ही वस्तुओं की देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। वस्त्रों की देखभाल पर वस्त्र का जीवन निर्भर करता है। वस्त्र का हम कितनी अच्छी तरह से उसे रख रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से उसका देखभाल कर रहे हैं, इसी पर वस्त्र का जीवन निर्भर होता है। मतलब वस्त्र कितने दिनों तक चलेगा, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो हैं वह वस्त्र को कितनी अच्छी तरीके से रख रहे हैं। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे सूती वस्त्र, लिनन के वस्त्र। वहीं रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों को धोने में अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है, सावधानी की आवश्यकता होती है। धुले वस्त्रों को सूर्य की गर्मी या घास पर सुखाकर तह लगाकर रखा जाता है। इस संपूर्ण विधि को लॉन्ड्री कहा जाता है। यह सब हम सभी ऐसा करते हैं। वस्त्रों के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं। वस्त्रों की देखभाल के लिए कुछ सामान्य नियम होता है। क्या क्या होता है? जैसे वस्त्रों को झाड़ना तथा हवा लगाना, उसके बाद फटे वस्त्रों की मरम्मत करना, वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे को छुड़ाना, वस्त्रों को उनके प्रयोग के अनुसार संग्रह करना और वस्त्रों की धुलाई करते रहना, यह सब जो है यह वस्त्रों की देखभाल के कुछ नियम है जो हमें करना चाहिए। इसके बाद आता है धुलाई के प्रमुख तत्व। कपड़ों की धुलाई के लिए विभिन्न तत्वों का प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैसे इसमें आता है जल, साबुन, डिटर्जेंट, यह सब जो है यह धुलाई के प्रमुख तत्व हैं। इन्हीं से हम कपड़ों की धुलाई करते हैं। जल, अब यह जल कैसे कपड़ों की धुलाई के लिए जरूरी है? तो जल धुलाई प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है कपड़े धोने के लिए वह होता है जल यानी पानी। जल धोने तथा खंगालने में 99% तक प्रयुक्त होता है। यह मिट्टी तथा दाग हटाने में सहायता करता है और कपड़ों से दूर ले जाता है। मिट्टी और दाग को कपड़ों से दूर ले जाता है। धुलाई पर किए गए अनुसंधान निर्देशित करते हैं कि जल की गुणवत्ता धुलाई तथा सफाई को प्रभावित करते हैं। जल कितना अच्छा है, इसी से आपके कपड़े जो हैं वो उसकी सफाई की गुणवत्ता साबित। ठंडा जल जो होता है वो उत्तम किस्म के कपड़ों,
नाजुक रंगों तथा पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है जो उसे सोख सके। ठंडा जल सिलवटों को भी कम करता है तथा रंगों को फीका पड़ने से भी रोकता है। वहीं जो गुनगुना जल होता है उसे हम हल्की मिट्टी लगे वाले जो वस्त्र होते हैं उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। टिकाऊ सफेद बुरी तरह मिट्टी लगे हुए अस्थाई दबे हुए तथा पक्के रंग वाले कपड़ों के लिए भी हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है साबुन। आपकी त्वचा से हर समय तेल निकलता है। हमारी जो त्वचा होती है उससे हर वक्त तेल निकलता है। यदि त्वचा पर धूल और गंदगी लग जाती है तो आप प्रायः सूखे कपड़े या सिर्फ जल से इसे साफ कर सकते हैं। अगर हमारी त्वचा पर धूल या गंदगी लग जाती है तो हम प्रायः क्या करते हैं इसे कपड़े से या फिर सादे पानी से इसे साफ कर लेते हैं। लेकिन यदि धूल के साथ तेल या ग्रीस मिल जाए तो आपको इसे साफ करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है। अगर तेल या ग्रीस लग जाए तो आप उसे सादे पानी से साफ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको साबुन या फिर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना होगा। यह इसलिए है क्योंकि जल जो है वो तेल या ग्रीस को साफ नहीं कर सकता है। जल सिर्फ इसकी परत बना सकता है किंतु धोने के लिए तेल या ग्रीस को पकड़ नहीं सकता है। मतलब ये तेल और ग्रीस को साफ नहीं कर सकता है। साबुन जो है वह तत्व होता है जो बहुत सी वस्तुओं को धोने में प्रयोग किया जाता है। साबुन की जो मूल सामग्री है वह है जल, लाई, वसा या तेल। साबुन की जो मूल सामग्री है जिससे साबुन बनाया जाता है वह है जल, लाई और वसा या फिर तेल। साबुन जो है वह साबुनीकरण या फिर चर्बी या तेल के मूल हाइड्रोलोसिस प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित होता है। इसके बाद आता है साबुन का प्रयोग। साबुन का प्रयोग हम कब कैसे करते हैं? सुरक्षित तथा प्रभावकारी साबुन के चयन में वस्त्रों की सफाई ध्यान में रखी जाती है। वस्त्रों को देखकर ही हम साबुन का चयन करते हैं, साबुन को चूज करते हैं। हल्के सूती, सिल्क और ऊनी कपड़ों के लिए हल्के सफेद साबुन या साबुन के टुकड़ों या फिर जेली का प्रयोग करना चाहिए। किन कपड़ों के लिए? ऊनी और सिल्क के कपड़े के लिए और हल्के सूती कपड़े के लिए। एक भारी कठोर साबुन में क्षार युक्त पदार्थ ऊनी कपड़ों को कठोर तथा सिल्क कपड़ों को खुरदरा बनाता है तथा दोनों को पीला करने का कारण भी होता है। इसलिए जब हम सिल्क के कपड़े या फिर हल्के सूती कपड़े या फिर ऊनी कपड़े धोते हैं तो उसके लिए हमें सफेद साबुन, कोमल साबुन या फिर जेली का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनके लिए ऐसे साबुन से बचना चाहिए जो कठोर होता है। सभी बुरे तत्वों के लिए जहाँ कपड़ा सजावट तथा रंग दोनों में टिकाऊ होता है एक अच्छा पीला साबुन प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि ऐसे साबुन जो है वह आसानी से धूल हटाते हैं। तो हमारे जो रोज के कपड़े होते हैं, सजावट के कपड़े होते हैं, इन सब के लिए हमें जो होता है वह एक अच्छा पीला साबुन प्रयोग में लाना चाहिए। ये साबुन जो होते हैं वो आसानी से धूल को हटाते हैं। ऐसे धुलाई के साबुनों का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ पीले साबुनों में रेसिन होता है और यह हाथों पर कठोर रहता है, हाथों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब इसके बाद आता है साबुन के प्रकार। कितने प्रकार के साबुन हो सकते हैं? वसा युक्त अम्ल तथा कार्बन श्रृंखला की लंबाई के प्रकार विभिन्न साबुनों की अनोखी संपत्तियां निर्धारित करती है। जानवरों की चर्बी प्राथमिक रूप से सोडियम स्टेरॉयड और कठोर तथा अघुलनशील साबुन बनाती है। केवल 10 या उससे भी कम कार्बन के साथ वसा अम्ल साबुनों में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वे त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं तथा उनकी गंध आपत्तिजनक हो सकती है। हल्के साबुन में समान मात्रा में क्षार तथा वसा सम्मिलित होती है।
कठोर साबुनों में अधिक क्षार होता है, उदासीन साबुनों में क्षार बिल्कुल नहीं होता। धुलाई के कार्य के लिए विभिन्न रूपों में साबुन जो है वो उपलब्ध होते हैं, जैसे साबुन की टिकिया, साबुन का पाउडर, साबुन के द्रव्य आदि। अब आता है साबुन का प्रकार। तो साबुन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और कोमल साबुन। अब आता है यह कठोर साबुन क्या है। कठोर साबुन जो होता है वह यह साबुन कठोर होने के कारण कपड़े पर आसानी से रगड़े नहीं जाते हैं या पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, और यही कारण है कि इन्हें झाग बनाने में भी अधिक श्रम करना पड़ता है तथा इनसे कपड़े साफ करने में भी श्रम अधिक लगता है। कठोर साबुन प्रायः गर्म विधि से बनाए जाते हैं, यह कोमल तथा सूक्ष्म वस्त्रों को हानि पहुंचाते हैं। यह जो कठोर साबुन होता है यह जो है आसानी से रगड़े नहीं जाते हैं, इसे घुलने में भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और श्रम भी लगता है। जब आप कठोर साबुन से कपड़े साफ करते हैं तो आपको श्रम भी अधिक लगाना पड़ता है, साथ ही साथ आपका जो समय है वह भी ज़्यादा लगता है। और यह जो कठोर साबुन है यह गर्म विधि से तैयार किया जाता है। अब आता है कोमल साबुन। यह साबुन पानी में आसानी से घुलकर झाग बनाते हैं, जिससे कपड़े धोने में समय जो है वह कम लगता है, परंतु मुलायम होने के कारण यह जल्दी घुलकर काफी मात्रा में व्यर्थ भी हो जाता है। यह जो कोमल साबुन होता है यह पानी में आसानी से घुलता है। जब आप कोमल साबुन से कपड़े साफ करते हैं तो यह आसानी से झाग भी बनाता है और आपको श्रम भी कम करना पड़ता है, आपका समय भी कम खर्च होता है, लेकिन यह जो है यह जल्दी घुलता है और व्यर्थ भी अधिक होता है। वहीं जो कठोर साबुन होता है उसे रगड़ने में ज़्यादा श्रम लगता है, उससे कपड़े धोने में आपको ज़्यादा श्रम लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन वो जल्दी नहीं घुलता है, व्यर्थ नहीं होता है। और जो कोमल साबुन होता है उसमें आपको श्रम कम लगता है, समय भी कम लगता है कपड़े धोने में, लेकिन यह जो है यह जल्दी घुलता है और व्यर्थ होता है। अब आता है एक अच्छे साबुन, साबुन की क्या पहचान है, क्या विशेषताएं हैं। कपड़ों की उत्तम सफाई के लिए अच्छी किस्म के साबुन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कपड़ों के तंतुओं, रंग व चमक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि हम जिस साबुन से कपड़े धोते हैं अगर वह साबुन अच्छा नहीं है, उत्तम क्वालिटी का, उत्तम गुण वाला नहीं है, तो क्या होता है हमारा वस्त्र जो है वह जल्दी खराब हो जाता है। अच्छी किस्म के साबुन का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, तो साबुन का रंग जो है वह साफ होना चाहिए। गहरे रंग के साबुन में अशुद्धियाँ अधिक होती हैं, जो साफ रंग के साबुन होते हैं उसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं। साबुन की टिकिया के ऊपर सफेदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सफेदी साबुन में अधिक क्षार होने के का सूचक होता है और कपड़ों के लिए हानिकारक होता है। यदि साबुन में क्षार की मात्रा अधिक होगी तो वह हमारे कपड़े के लिए सही नहीं होगा, हमारे कपड़े को हानि पहुंचा सकता है। साबुन की टिकिया को उंगली से दबाकर देखना चाहिए। बहुत अधिक सख्त टिकिया जो है वह पानी में देर से घुलेगा, अर्थात इससे कपड़े धोने में ज्यादा श्रम और ज्यादा समय भी लगेगा। इसके विपरीत बहुत नरम टिकिया जो होगा वह पानी में जल्दी घुल जाएगा, और पानी की मात्रा अधिक होने के कारण वह जल्दी घुलता भी है और व्यर्थ भी ज्यादा होगा। अतः साबुन की जो टिकिया होगी वह न बहुत अधिक सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक नरम होनी चाहिए। सही धुलाई के लिए साबुन में अच्छी झाग बनना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक अच्छा झाग नहीं बनेगा कपड़ा अच्छे से अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाएगा। अब आता है धुलाई के साबुन का चयन कैसे करेंगे हम। यह स्पष्ट तथा रंग में हल्का पीला होना चाहिए। गहरे रंग के साबुन में अशुद्धियां हो सकती हैं। उंगलियों से दबाए जाने पर साबुन में दृढ़ता का अनुभव होना चाहिए। यदि वह कोमल लगता है
तो इसका अर्थ है कि इसमें पानी की अधिकता है, पानी की मात्रा ज्यादा है और प्रयोग करने पर व्यर्थ हो जाएगा। बहुत कठोर साबुन जो है वो सरलता से नहीं घुलता है, इसलिए झाग उत्पन्न नहीं करता। कोई भी साबुन जो सतह पर सफेद पाउडर है, जिसके सतह पर सफेद पाउडर है, उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यह अत्यधिक क्षार का चिन्ह होता है, जिससे हमारे कपड़े को हानि पहुंचता है। तो हमें ऐसे साबुन का चयन करना चाहिए जो कि न ज्यादा सख्त हो और ना ही ज्यादा मुलायम हो, और उसके ऊपरी परत पर सफेदी बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि अगर उसके ऊपर सफेदी होगी तो इसका मतलब होगा कि उसमें क्षार की मात्रा अधिक है, और क्षार की मात्रा अधिक होने पर हमारा जो कपड़ा है वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसके बाद आता है वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम क्या हैं। तो वस्त्रों की देखभाल के जो सामान्य नियम होते हैं, उसमें पहला होता है कि वस्त्र को पहनने के पश्चात गंदे होने पर धुलने के लिए डालना चाहिए। आप जब किसी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, तो उसे धोकर ही रखना चाहिए। जो वस्त्र भारी होते हैं, जैसे चादर, कुशन, इन सबको भली भांति झाड़ना एवं हवा लगाना चाहिए। इन्हें हमेशा झाड़ कर हवा लगा कर ही रखना चाहिए। फटे कटे वस्त्रों की समय समय पर मरम्मत करते रहना चाहिए, ताकि वे अधिक समय तक चल सकें। वस्त्रों पर लगने वाले दाग धब्बों को भली भांति देखकर छुड़ाना चाहिए, ताकि वस्त्रों की सुंदरता बनी रहे। वस्त्रों को प्रयोग एवं मौसम के अनुसार संग्रहित करके रखना चाहिए, ताकि उचित आवश्यकताओं पर उनका उपयोग किया जा सके। जैसे गर्मी का मौसम है, तो जो सर्दी के कपड़े होते हैं उसे हमें अच्छी तरह से संग्रहित करके रखना चाहिए, और जब ठंडे के मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, तो हमें गर्मी वाले कपड़े को अच्छी तरह से संग्रहित करके रखना चाहिए। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने पढ़ा वस्त्रों की देखभाल के सामान्य नियम के बारे में, फिर धुलाई के जो प्रमुख तत्व होते हैं उसमें जल के बारे में पढ़ा, और साबुन के बारे में, साबुन का प्रयोग कैसे करना है, साबुन के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हमने आज अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के कार्य, डिटर्जेंट के विभिन्न ब्रांड और साबुन, और डिटर्जेंट में क्या क्या अंतर है, क्या क्या भिन्नता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे।